नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। जाट आरक्षण आंदोलन फिर भड़का, हरियाणा और दिल्ली में कड़ी सुरक्षा। हरियाणा में आरक्षण की मांग को लेकर जाट आंदोलन का आज दूसरा दिन है। राज्य के 15 जिलों के 15 गांवों में जाट समुदाय के लोग धरने पर बैठे हैं। पहले दिन धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहने के बाद सरकार और प्रशासन को थोड़ी राहत मिली है। इस बार जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने शहरों की बजाय गांवों में ही धरना प्रदर्शन का फैसला लिया, साथ ही रेल और सड़क मार्ग पर धरना नहीं देने का आश्वासन दिया है। यह धरना प्रदर्शन 15 दिन तक चलेगा। जाट नेताओं का कहना है कि इस बीच राज्य सरकार यदि उनकी मांगे नहीं मानती तो फिर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जाट समुदाय ने दिल्ली और यूपी समेत 13 राज्यों में भी धरना शुरू कर दिया है। हरियाणा के 8 जिलों झज्जर, सोनीपत, रोहतक, पानीपत, हिसार, जिंद, फतेहाबाद और कैथल कुल 8 जिलों में धारा 144 लागू है। हरियाणा पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बलों की 55 टुकड़ियां भी तैनात की गई है। हाफिज ने दी भारत को धमकी, कहा हर शहर पर हमले के लिए ड्रोन तैयार। आतंकी संगठन जमात उल दावा का मुखिया और भारत के मोस्ट वांटेड हाफिज सईद ने एक बार फिर भारत को लेकर जहर उगला है। पाकिस्तान में खुलेआम रैली कर रहे हाफिज ने भारत पर हमला बोलते हुए कहा कि अमेरिका भारत के हवाई अड्डों पर ड्रोन तैनात कर रहा है जिससे पाकिस्तान के शहरों पर हमला किया जा सके, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान अपने ड्रोन से भारत पर परमाणु हमले करेगा। आतंकी हाफिज सईद ने कहा कि भारत पाकिस्तान को 1971 के समय का देश न समझे, अब पाकिस्तान के पास एटमी ताकत है, पाकिस्तान किसी भी तरह का जवाब देने में सक्षम है। हाफिज ने इस नए वीडियो में एक बार फिर साफ किया कि पाकिस्तान की करनी और कथनी में अंतर है। पाकिस्तान अक्सर दावा करता है कि उसकी जमीन से भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां नहीं होती, लेकिन इस नए वीडियो ने पाकिस्तान की पोल एक बार फिर खोल दी है। राम मंदिर को लेकर स्वामी की बातों पर उमा भारती को भरोसा, कहा वे मेरे हीरो है। केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने सुब्रमण्यम स्वामी को अपना नायक बताते हुए कहा कि राम मंदिर को लेकर उन्हें स्वामी की बात पर भरोसा है। हालांकि वे बातचीत के माध्यम से लंबे समय से चले आ रहे इस विवाद का समाधान चाहती है। भाजपा सांसद उमा भारती ने कहा कि स्वामी के वचन पर विश्वास करती है कि अयोध्या में राम मंदिर का काम इस वर्ष के आखिरी तक शुरू हो जाएगा। एक साक्षात्कार में भारती ने कहा कि मैं स्वामी का बहुत अधिक सम्मान करती हूं, वह मेरे नायक है। मैं 15-16 वर्ष की थी जब आपातकाल लागू किया गया था और डॉक्टर स्वामी और जॉर्ज फर्नांडिस मेरे नायक थे। मेरे लिए उनका व्यक्तिमत्व नायक की तरह है, वह जो करते हैं उस पर मुझे भरोसा है। भाजपा नेता का यह बयान ऐसे समय में आया है जब पार्टी नेतृत्व राम मंदिर से जुड़े प्रश्नों से बच रहा है।